नमस्कार, आप देख रहे हैं गंभीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। सर्राफा व्यापारी के बेटे की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। इटावा जनपद में पूर्व में हुई सर्राफा व्यापारी के बेटे की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी नितिन को पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी ने पूर्व में सर्राफा व्यापारी के बेटे की रुपए के लेन देन की वजह से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके शव को बीहड़ में फेंक कर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया था। आज पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान हत्या के आरोपी को देखा। पुलिस और चोर का टाका भिड़ते ही आरोपी भागने की फिराक में था। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने आरोपी को घेर लिया। अपने आप को घिरा देख आरोपी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस की एक गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करा है। फिलहाल अभी आरोपी का इलाज चल रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र ने दिखाए सख्त तेवर। सर्राफा कारोबारी के बेटे की हत्या में वांछित नितिन को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने के बाद मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसकी जगह जेल में है। इटावा पुलिस उसको जेल में पहुंचाकर ही दम लेगी। आगे उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि ये मैसेज मीडिया के द्वारा हर अपराधी तक पहुंच जाना चाहिए। इटावा में किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अपराधी पुलिस पर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोली चलाने से नहीं चूकेगी, और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को चाहे जिस स्तर पर जाना पड़े पुलिस जाएगी। जो 24 घंटे के अंदर खुलासा करके मर्डर के जो भेजे गए थे उन्हीं का साथी था और ये इस मर्डर में शामिल था। इस 25,000 रुपये इनामी के गिरफ्तारी के साथ में ये पूरा जो मर्डर था इसका पूरा खुलासा हो चुका है। और आपके माध्यम से ये मैसेज भी देना चाहता हूँ मैं, हमारे जनपद इटावा में जितने भी इस किस्म के बदमाश हैं इन पर लगातार कार्रवाई की जाएगी, और अगर ये गोली चलाते हैं पुलिस पर तो इन पर दबावी कार्रवाई की जाएगी ज़रूर, और जितने भी अपराधी हैं इन सबको उठा के इनको बंद कराया जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। सर, इसमें दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और ये जो कल हत्याकांड हुआ था उसका आरोपी पकड़ा गया है। जैसे मैंने बताया, लगातार जनपद इटावा में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलता रहेगा। ये जितने भी इस तरीके के बदमाश हैं इन सब की घेराबंदी करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर 4 NSC की भी कार्रवाई, 4 जो मर्डर के अभियुक्त उनके खिलाफ वो भी कराया जा चुका है। संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई, गुंडा गैंगस्टर इसमें भी घेराबंदी चल रही है, लेकिन कोई अपराधी हिम्मत करता है पुलिस पे गोली चलाने की तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी, और ये जितने भी अपराधी हैं इन सबको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ये आपके माध्यम से मेरा यही मैसेज यहाँ पे रहेगा। थैंक यू।